गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम जिले में एक बार फिर से सीरो सर्विलांस सर्वे की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत गुरुग्राम के कुल 850 लोगों के सैंपल्स लिए जाएंगे, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि इन लोगों को पहले कोरोना हुआ है या नहीं। इस सर्विलांस के माध्यम से ये भी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जिसका सैंपल लिया गया है उस व्यक्ति को पहले कोरोना हुआ है या नहीं। यदि व्यक्ति पहले कोरोना संक्रमित हो चुका है और स्वयं ठीक भी हो गया है तो इसकी जानकारी इस टेस्ट के से पता लग जाएगी। ये भी पता लग जाएगा कि उसके शरीर में कोरोना संक्रमण के एंटीबॉडीज बन चुके हैं या नहीं। सीरो सर्विलांस में 500 ग्रामीण और 350 शहरी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए आज गुरुग्राम के सिविल सर्जन के ऑफिस में स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूरी ट्रेनिंग दी गई। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा ये सर्वे और फिर आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से हमारे संवाददाता योगेश कुमार की ये खास बातचीत। राज्य में सीरो सर्वे की शुरुआत गृह मंत्री अनिल विज द्वारा की जा चुकी है और अब इसकी शुरुआत जल्द ही गुरुग्राम में भी होने वाली है। इसमें पूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव जी। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज़ में। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि सीरो सर्वे क्या है, किस तरह से की प्रक्रिया शुरुआत होगी? देखिए, आज जैसा आपने बताया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने आज सीरो सर्वे की शुरुआत कर दी है और अम्बाला और पंचकुला में सीरो सर्वे आज स्टार्ट कर दिया गया है। सीरो सर्वे बेसिकली जो उन लोगों का टेस्ट किया जाएगा जो लोग संभवतः कोरोना से पीड़ित हुए हैं और जिनको शायद पता ना चला हो, तो इन लोगों के यानी पब्लिक में एक प्रिवलेंस या इंसिडेंस जानने के लिए हम सीरो सर्वे करने जा रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर प्रत्येक ज़िले में 850 जो हैं लोगों का सीरो सर्वे किया जाएगा, जिसमें 500 जो हैं वो लोग रूरल एरिया से लिए जाएंगे और 350 लोग जो हैं 350 जो हैं वो अर्बन एरिया से लिए जाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों को हम कवर करने जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जो है एक जो है चार क्लस्टर में डिवाइड किया जाएगा और इन चार क्लस्टर को चार क्वाड्रेंट्स में कर लिया जाएगा और 22 घरों में से जो हैं ये ईच क्वाड्रेंट में यानी एक सैंपल लिया जाएगा। रूरल में 12 क्लस्टर बनाए जाएंगे और इन्हीं के अंदर जो ईच क्लस्टर में है चार विलेज, चार सब सेंटर और चार ऐसे विलेज लिए जाएंगे जो सब सेंटर में नहीं है इस क्लस्टर में, और 11 हाउस होल्ड होंगे जो ईच क्वाड्रेंट के होंगे, जिनके यहाँ से सैंपल लिए जाएंगे। और इसमें सैंपल का एक क्राइटेरिया होगा, जो 18 साल से अधिक के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के सैंपल लिए जाएंगे, या वो तो पुरुष हो सकते हैं, महिला हो सकती हैं, या घर में जो बुजुर्ग होगा कोई उनके सैंपल लिए जाएंगे, या उन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे जिनको पहले से कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। ये इसके जानने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, इससे हमें कम्युनिटी में यानी हमारे आसपास के जो भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कोरोना का प्रेवलेंस कितना है ये जानने के लिए किया जाएगा। इसमें हम IgG जो है वो एंटीबॉडी हम टेस्ट करने जा रहे हैं और ये जैसा मैंने बताया अम्बाला और पंचकुला में आज शुरू हो चुका है। संभवतः जो है 13 तारीख को, अथवा ये तो सुनिश्चित है कि 17 तारीख तो फाइनल है, 13 तारीख से हम गुड़गांव में शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र हैं वो चिन्हित कर लिए हैं, ऐसे ही हमने जो अपने ग्रामीण क्षेत्र हैं वो चिन्हित कर लिए हैं। कुल मिलाकर 16 हमारी टीमें होंगी और एक टीम में एक ANM, एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन और एक डॉक्टर साथ में होगा और उनके ऊपर एक डिप्टी CMO हर क्लस्टर को, यानी जो एक एरिया होगा अर्बन और शहरी को, एक एक जो एरिया होगा उसको करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यानी 8 हमारे डिप्टी CMOs इस पर मॉनिटरिंग करेंगे और 20 तारीख तक हम ये सारे सर्वे कंप्लीट कर स्टेट को इसकी रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी और सारी स्टेट की रिपोर्ट कंपाइल जब कर ली जाएगी और जब वो कम्बिनेशन सारी रिपोर्ट का देखने के बाद पूरे हरियाणा का संभवतः जो सीरो सर्वे का रिजल्ट जो है वो इसी माह के अंत तक आपके सामने होगा।
जो फील्ड में कर्मचारी रहेंगे, किस तरह के कर्मचारी वहाँ पर मौजूद होंगे, कितने लोगों की टीम जो घर घर जाकर सर्वे करेगी? मैंने अभी आपको बताया, कुल मिलाकर गुड़गांव में जो है वो 16 टीमें बनाई गई हैं, और जो है 4 अर्बन और 4 रूरल एरिया हैं, उनके क्वाड्रेंट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह से बनाए जाएंगे। एक टीम में मैंने बताया कि एक ANM या हेल्थ वर्कर, कोई अन्य हेल्थ वर्कर, उसके साथ लैब टेक्नीशियन और एक डॉक्टर जो होगा वो एक टीम का पार्ट होगा। कोविड को कंट्रोल करने में कितना सहायक होगी ये सर्वे? देखिए, ये चीज़ें कोविड को कंट्रोल करने के लिए, इससे हम आने वाली स्ट्रेटजी और प्लान बना सकते हैं, देखते हुए कि प्रिवेलेंस कितना है गुड़गांव में या पूरे हरियाणा में कैसा है, उसी के हिसाब से आने वाले टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल्स के लिए हमें जो और इंफ्रास्ट्रक्चर या और कुछ डेवलप करना, उसमें सहायता करेंगे। दिस इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए, आने वाले दिनों में किस तरह से कोविड अभी तक बिहेव किया या करेगा, ये इसमें सहायक होगी। और हम अपनी मरीजों को आने वाले टाइम के लिए कोविड से रिलेटेड जो भी उपचार में उसमें सुविधा में इजाफा करने के लिए या नया प्लान बनाने में हमें सहायक होगी। सीरो सर्वे है वो बहुत जल्द ही गुरुग्राम में शुरू होने वाला है, और इसका जो रीज़न है वो यही रहेगा शुरुआत का, कि ताकि जो है जो कोविड है उस पर कंट्रोल किया जा सके, उसको उसके बेहतर तरीके से उसकी जो देखरेख की जा सके, गुरुग्राम में रहने वाले लोग जो हैं संभल कर रह सके, उनको इसके लिए उजागर किया जा सके, जागरूक किया जा सके, यही जो है स्वास्थ्य विभाग ने इसकी शुरुआत करने की जो ठानी है, और इस पर जल्द ही विचार किया जाएगा। एक दो दिन में शुरुआत होने वाली है इसकी। अगर ये कितना ये सर्वे कितना कारगर साबित हो गया तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ इस खबर को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।